हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 10, प्ले विथ पैटर्न्स। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में ग्रोइंग पैटर्न्स टॉपिक तक लर्न किया था, आज आगे लर्न करेंगे नंबर पैटर्न्स। वी हैव मेड सम पैटर्न्स विथ पिक्चर्स। हम लोगों ने पिक्चर्स से कुछ पैटर्न से वो बनाई। वी कैन मेक पैटर्न्स विथ नंबर्स टू। हम लोग नंबर्स का यूज कर भी पैटर्न से वो बना सकते हैं, लाइक 21 41 61 81 101 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर पैटर्न बनाई है, 21 के बाद 41, 41 के बाद 61, 61 के बाद 81, 81 के बाद 101, यानी कि प्लस 20 इंक्रीमेंट हुआ है। देखो 21 प्लस 20 करेंगे 41, 41 प्लस 20 करेंगे 61, 61 प्लस 20 करेंगे 81, 81 प्लस 20 करेंगे 101। यू नो द नेक्स्ट नंबर, डोंट यू? क्या आपको उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो पता है? नहीं पता है। देखो अब यहाँ, दिस इज अ ग्रोइंग पैटर्न, ये ग्रोइंग पैटर्न है। इट कैन गो ऑन एंड ऑन, ये आगे बढ़ती जा रही है। 21 + 20 = 41 + 20 = 61 + 20 = 81 81 + 20 = 101 101 + 20 = 121 121 + 20 = 141 141 + 20 = 161, ऐसे ही आगे ही उठती जाएगी। ए, लुक फॉर द रोल्स एंड कंटिन्यू दिस ग्रोइंग पैटर्न्स। यहाँ पर जो पैटर्न से वो आगे बढ़ानी है उसके लिए रूल्स देखना है और उसके बाद उसे आगे ग्रो करना है। ए 51, उसके बाद 56, आफ्टर दैट 61, 61 के बाद 66। अब हमें यहाँ पर पैटर्न है उसे आगे कंटिन्यू करना है। अब चिल्ड्रन देखो, इसमें आगे बढ़ते जा रहे 51, उसके बाद है 56, इसीलिए क्या किया है 51 में 5 ऐड किए, 51 प्लस 5 इसलिए आया 56, 56 प्लस 5 करेंगे क्या आएगा चिल्ड्रन, 57 58 59 60 61, यानी कि 5 वे वो ऐड किए इसलिए आंसर आया 61। अब वैसे ही 61 प्लस 5 करेंगे आंसर आएगा 66। अब 66 में हम प्लस 5 करेंगे क्या आएगा चिल्ड्रन आंसर, 71। अब 71 में हम प्लस 5 करेंगे आंसर क्या आएगा, 76। अगेन प्लस 5 इन 76, देन 81। अब वैसे ही क्या करना है, सभी नंबर्स में प्लस 5 करते जाना है और पैटर्न को ग्रो करना है। इसलिए इसमें क्या है, एडिंग 5 टू ईच नंबर एंड कंटिन्यू द पैटर्न, ये रूल है। बी 7, blank, 21, 28, 35, blank. अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पर 7, उसके बाद में ब्लैंक दिया, उसके बाद देखो 21, उसके बाद दिया है 28, 28 के बाद दिया है 35। पहले हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 21 में 7 ऐड करेंगे तब आएगा 28, इसलिए प्लस 7 किया है। 28 में प्लस 7 करेंगे आंसर आएगा 35। अब यहाँ पर देखो 7 से ही स्टार्ट किया है, अब 7 में हम 7 ऐड करेंगे क्या आएगा आंसर, 14। यहाँ पर आप 7 का टेबल के रिलेटेड भी लिख सकते हो, देखो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42, 7 सेवन जा 49, 7 एट जा 56। या तो फिर आप ऐसे भी बता सकते हो, प्लस 7 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 7 करेंगे 56। नेक्स्ट सी 2, 4, 8, 16, 32, blank, blank, blank। अब 2 में कितना प्लस किया तब 4 आया, 2 प्लस 2 4,
4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32। यानी कि जो नंबर आता है पैटर्न में उसका आपको डबल करना है या तो फिर उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 + 32 करेंगे क्या आएगा चिल्ड्रन, 64, यानी कि +32। 64 + 64 करोगे आंसर क्या आएगा, 128 + 128 करेंगे आंसर आएगा 256। नेक्स्ट डी, 12a, 13b, 14c, ब्लैंक। अब चिल्ड्रन देखो इसमें नंबर भी है और लेटर्स भी है। पहले हम नंबर को देखेंगे, 12, 13, 14। अब आगे बढ़ाएंगे क्या आएगा, 15 और 16। अब हम लेटर को देखेंगे, ए बी सी। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे डी ओ ई। नेक्स्ट बी, लुक एट दिस ग्रोइंग पैटर्न्स। यहाँ पर जो पैटर्न दी है उसको देखना है। फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अब हमें फाइंड करना है कि हम क्या ऐड करेंगे तब हमें नेक्स्ट वन है वो मिलेगा, यानी कि आगे पैटर्न है वो बढ़ेगी। ए 1, 3, 6, 10, यानी कि 1, 3, 6 और 10 दिया है। अब 1 में हम क्या करेंगे तब हमें 3 मिलेगा चिल्ड्रन, +2, 3 के बाद हम +3, 6 के बाद हम +4, यानी कि एक एक नंबर है वो बढ़ाना है, 2, 3, 4। अब 10 में हम +5 करेंगे इसीलिए पैटर्न का आंसर आएगा 15, 15 में हम 6 प्लस करेंगे इसीलिए आंसर आएगा 21, 21 में अब हम 6 के बाद क्या आएगा चिल्ड्रन, 7 प्लस करेंगे इसीलिए आंसर आएगा 28, 28 में हम 8 प्लस करेंगे इसीलिए यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 36, 36 में हम 8 के बाद 9 प्लस करेंगे इसीलिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे 45। नेक्स्ट बी, 0, 2, 6, 12। अब यहाँ पर देखते हैं 0 + 2 करेंगे तब 2, 2 + 4 करेंगे तब 6, 6 में हम +6 करेंगे तब 12। यहाँ पर देखो 2, 4, 6 यानी कि इवन नंबर है उसे प्लस किया है, 2, 4, 6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 8, उसके बाद हम 10 प्लस करेंगे, उसके बाद हम 12 प्लस करेंगे, उसके बाद हम 14 प्लस करेंगे और उसके बाद हम 16 प्लस करेंगे। 12 + 8 करेंगे 20, 20 + 10 करेंगे 30, 30 + 12 करेंगे 42, 42 + 14 करेंगे प्लस इसलिए 56, और 56 + 16 करेंगे तब आंसर आएगा 72। नेक्स्ट सी, 1, 3, 7, 13। अब 1 में देखो क्या प्लस किया चिल्ड्रन, 2 + 4 किया, उसके बाद 3 + 4 = 7। अब देखो क्या प्लस किया, 6, 7 + 6 = 13, यानी कि जो रूल ऊपर है वही सेम टू सेम रूल यहाँ पर भी है। यहाँ पर +8 + 10 + 12 + 14 and + 16। अब चिल्ड्रन 13 + 8 करेंगे आंसर क्या आएगा, 21, 21 + 10 करेंगे 31, 31 + 12 करेंगे 43, 43 + 14 करेंगे 57, 57 + 16 करेंगे 73। नेक्स्ट डी, 2, 3, 6, 11, 18। अब 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन ओड नंबर है 1, 3, 5, 7। अब क्या आएगा, 7 के बाद आएगा +9, यानी कि एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर, 9 के बाद 10 को लीव कर देंगे +11 करेंगे, 12 को लीव कर देंगे +13 करेंगे, 14 को लीव कर देंगे +15 करेंगे। चलो 18 + 9 = 27, 27 + 11 = 38, 38 + 13 =
51 प्लस 15 66, चिल्ड्रन 15 के बाद क्या आएगा, 16 को लीव करेंगे 17, 66 प्लस 17 करेंगे आंसर आएगा 83। थैंक यू।